पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी, बिल्कुल ढाबे स्टाइल, बेहद ही टेस्टी, साथ ही बहुत ही हेल्दी होगा। देख सकते हैं पनीर को क्यूब क्यूब में काट लिया गया है, छोटे छोटे क्यूब में काटे हैं, देख सकते हैं। ये पनीर का वज़न में होगा तो 100 ग्राम, और इधर एक सॉसपैन में चढ़ा दे रहे हैं गर्म होने के लिए पानी, उसमें डाल दिए हैं आधी छोटी चम्मच नमक डाल दिए हैं और 2 चुटकी हींग डाल दिए हैं। इसे थोड़ा गर्म कर लेंगे और गर्म हो जाने के बाद एक साइड में रख देते हैं इसको। इस पर चढ़ा देते हैं कढ़ाई, कढ़ाई में 1.5 से 2 चम्मच डालेंगे तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और इसमें डाल देते हैं कटा हुआ पनीर डाल दिए। अब इसे एकदम लाल होने तक भून लेते हैं। स्टार्टिंग में इसे धीरे धीरे चलाएंगे क्योंकि चिपकता है, जैसे जैसे भूनने लगेगा वो खुद चिपकेगा नहीं। देख सकते हैं अब बिल्कुल नहीं चिपक रहा। ये रेसिपी बेहद ही टेस्टी और हेल्दी बनता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए कलर चेंज होने लगा है, बस थोड़ा और भून लेते हैं, बस इतने ही। अब इसे निकाल लेते हैं। अब इस गर्म पानी में पनीर को डाल देंगे, 2 से 3 मिनट ठीक रखेंगे। जैसे ही पनीर सॉफ्ट हो जाएगा अब इसमें ये पानी अपने में टाल लेगा नमक और हींग वाला पानी, तो वैसे ही निकाल लेंगे। और ये पनीर भूनने के बाद भी ये गर्म पानी में डालने से सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट बना रहता है, इसलिए गर्म पानी में डाल दिए। और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है क्योंकि हींग वाला पानी, नमक और हींग वाला पानी डालने से इसके अंदर समा जाता है हींग और नमक का पानी, इसलिए और टेस्ट इसका बढ़ जाता है। देख सकते हैं निकाल लिए हैं, पनीर पूरा सॉफ्ट हो गया है। अब चलते कढ़ाई की ओर, इसमें फिर 1.5 चम्मच डाल देते हैं तेल। इसमें डालेंगे सारा खड़ा गरम मसाला, देख सकते हैं 2 हरी छोटी इलायची है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, जीरा है, लाल मिर्च है और तेज़पत्ता है। सभी को अच्छी तरह से चटकने देंगे। देखिए सारा खड़ा गरम मसाला का कलर चेंज हो गया, देख सकते हैं। इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे, इसे भी थोड़ा कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। कलर देखिए चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं 2 कटा हुआ टमाटर, अब इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए सभी। इसको ढक देते थोड़ी देर के लिए, जब तक ये टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो रहे तब तक कुछ मसाला बना लेते हैं। देखिए अदरक डालें 1 से 1.5 इंच, 2 हरी मिर्च डाल रहे हैं, 5 से 6 लहसुन का कली डाल रहे हैं, 5 से 6 काजू डाल रहे हैं, और सभी को अच्छी तरह से पानी डाल के पीस लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पेस्ट हो गया, इसे निकाल लेते हैं 1 कटोरी में। इसको रख देते हैं एक साइड में। अब देख लेते हैं टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गए हैं तो पीस लेंगे इसे। देखिए प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, मतलब सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे भी जार में डालकर पीस लेंगे, ठंडा होने के बाद ही पीसेंगे फ्रेंड्स, गर्म में बिल्कुल नहीं, तो पूरा छीटा मार देता है गैस, स्टीम इतना बन जाता है इसके अंदर, इसकी वजह से ठंडा होने के बाद ही पीसना है इसको।
इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक इसमें जो पेस्ट बनाए थे डाल देते हैं, अदरक लहसुन और काजू का पेस्ट जो बनाया वही डाल दे रहे हैं। अब इसे थोड़ा चलाते हुए भून लेते हैं। जब तक ये भून जा रहा है तब तक प्याज और टमाटर भी ठंडा हो गया, उसे पीस के इसी में डाल देंगे फ्रेंड्स। चलिए पीस लेते हैं, देखिए पीस लिए हैं, अब डाल देते हैं। अब सभी को अच्छी तरह से भूनेंगे और जितना जार में लगा हुआ है मसाला उसे भी पानी डाल कर धोकर इसमें डाल देते हैं। हम मसालों को एकदम अच्छी तरह से भूंजेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तभी सब्जी में खूब अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। यहाँ देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल दिए और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी मसाला में बहुत खूबसूरत कलर आया हुआ है। अब डाल देते हैं गरम पानी, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, गरम पानी नहीं डालिएगा क्योंकि सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है अगर भूनते वक्त जब डालना होता है पानी, अगर गरम पानी डालते तो सब्ज़ी का फ्लेवर और टेस्ट और बढ़ जाता है फ्रेंड्स। ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि टेस्ट उसका ठंडा पानी डालने से घट जाता है। अच्छी तरह से चला लेते हैं इसको पूरी कढ़ाई को छुड़ाते हुए, इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं एक चुटकी कस्तूरी पत्ता डाल देते हैं, कस्तूरी जो होता है कस्तूरी मेथी पत्ता वही वाला डाल दिए। अभी अब डाल देंगे पनीर भूंज के जो रखे हुए थे वही वाला डाल देते हैं और एक उबाल अच्छी तरह से आने देते हैं, अच्छी तरह से बिल्कुल। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ढाबे स्टाइल का टेस्ट है और साथ में ये टेस्टी तो है ही बल्कि साथ ही साथ हेल्दी है, वो इसलिए कि बहुत तेल कम में बना और मसाला भी कम यूज़ किया गया है। यहाँ डेकोरेट कर देते हैं फ्रेश घर का मलाई से, ये वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आगे इसी तरह के वीडियो से, तब तक बाय बाय।